हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं डनकी इस मूवी का फोर डायलेशन लेकर, बात करेंगे सलार इस मूवी का थर्ड डायलेशन लेकर। आप जानते हैं प्रभास सर जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार है, जिनके फिल्म बहुत ही अच्छी कलेक्शन करता है, जिनको बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एक्टर कहा जाता है, जिनका मूवी आता है रेकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन पूरे वर्ल्ड मार्केट में करता है। सलार आया, सलार रेकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया और सलार का लाइफ टाइम का कलेक्शन 1000 से 1500 करोड़ प्लस बिजनेस करेगा, जहां पर डनकी पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू के साथ रिलीज हो और मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर जाएगी, ये पक्का है। बात करेंगे इन दोनों मूवीज़ को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल को। फिर बात करें डनकी को लेकर, इसमें का बजट 120 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है शाहरुख खान सर, सबने फोर डे कंप्लीट किया है। शाहरुख खान सर के डनकी को आप लोग जानते हैं पॉजिटिव रिव्यू मिला। राजकुमार हिरानी सर का ये फिल्म आएगा, मेगा ब्लॉकबस्टर कलेक्शन करेगा, ये सब लोग जानते थे, लेकिन मूवी कितना पैसा कमाया ये कोई भी नहीं जानेंगे, क्योंकि आप लोग जानते ये मूवी लंबी रोज का घोड़ा है, लॉन्ग टाइम रन करेगा। मूवी बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ प्लस बिजनेस पक्का कर पाएगा। अपने फोर डे में ऑल इंडिया ग्रोस स्टेशन क्या 42 करोड़ रुपीज़, और मार्केट स्टेशन क्या 40 करोड़ रुपीज़, वॉलेट मार्केट स्टेशन क्या 82 करोड़ रुपीज़, टोटल से ग्रोस ने 304 करोड़ रुपीज़। आपने अभी तक डनकी नहीं देखा, देख लेना। शाहरुख खान सर जो इंडिया के सबसे बड़े सुपर स्टार है, उनके ये फिल्म कैसा लगा और डनकी लाइफ टाइम में कितना पैसा कमा पाएगा कौन बता सकते हैं। अब बात करें सलार को लेकर, इसमें का बजट है 400 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है डार्लिंग प्रभास सर, सबने थर्ड डे कंप्लीट किया है। डार्लिंग प्रभास सर, रिबेल स्टार प्रभास सर या सुपर स्टार प्रभास सर, जो भी नाम से बुलाए, उनके फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर बनेगा, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनेगा, यही एक्सपेक्टेशन था। बता दो सलार के प्रोडक्शन हाउस है हम्बल फिल्म, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस है, जहां पर सलार के डायरेक्टर आप लोग जानते हैं प्रशांत नील सर है, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है। दोनों का काम बहुत ही अच्छा था, दोनों ने मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाया और आप लोग जानते हैं सलार से प्रभास सर, जिनको बॉक्स ऑफिस किंग कहा जाता है, वो ग्रैंड कमबैक कर चुके हैं। अपने थर्ड डे में सलार ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेशन किया 40 करोड़ रुपीज़, हिंदी नीट कलेक्शन किया 32 करोड़ रुपीज़, सुपर मार्केट स्टेशन किया 30 करोड़ रुपीज़, वॉलेट मार्केट स्टेशन किया 120 करोड़ रुपीज़, टोटल इसमें का 3 दिनों का कलेक्शन है 410 करोड़ रुपीज़। मूवी कल आप लोग जानते हैं वीकेंड खत्म हो जाएगा, लेकिन क्रिसमस है, जिसके वजह से भी कल भी मूवी का कलेक्शन सेम रहेगा, 100 से 120 करोड़ प्लस बिजनेस करेगा, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनेगा। आपने अभी तक सलार डनकी नहीं देखा, देख लेना। कौन सकते हैं दोनों इसमें सबसे अच्छी सबसे बढ़िया इंडियन फिल्म कौन सा है। धन्यवाद।